26 जानेवारी 2018 ला नागपुरात मेट्रोचं उद्घाटन करण्याचं टार्गेट निश्चित केलं असल्याचं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींनी म्हटलंय. नागपुरात गडकरींचा मिड द प्रेस हा विशेष कार्यक्रम झाला, त्यामुळे नागपूरच्या विकासासाठी तब्बल 20,000 कोटींची कामं आखण्यात आल्याचंही गडकरींनी सांगितलं. देशात 2 लाख किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणार असल्याचंही गडकरींनी सांगितलं. त्याचप्रमाणे येत्या महिन्याभरात नागपूरच्या रस्त्यावर इथेनॉलवर चालणाऱ्या 50 बसेस धावतील अशी माहितीही गडकरींनी दिली. नागपुरात जेनेरिक औषधाचं दुकान सुरू करण्याचं उद्दिष्टही यावेळी गडकरींनी सांगितलं. याशिवाय राज्य सरकारनं परवानगी दिल्यानंतर मुंबई, पुणे आणि नागपूर सोडून इतर शहरांमध्ये ई रिक्षा रस्त्यावर सुरू करण्यात येतील असंही गडकरींनी स्पष्ट केलं. इसमें मेट्रो में 8,680 करोड़ रुपए मेट्रो का काम हुआ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेट्रो हमारी समय के पहले ही 1 जनवरी 2018 के पहले ही मेट्रो शुरू हो जाए, 26 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हो, ये हमारा टाइम टेबल है. ये काम मैंने मंजूर किए, कुछ शुरू है, कुछ डीपीआर बने हैं, कुछ टेंडर प्रोसेस में है. ऐसे टोटल 17,399.10 करोड़ रुपए नागपुर शहर के लिए कार्य मंजूर हुए हैं. ये और इसमें छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स के बहुत से काम जुड़ जाएंगे तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा इसमें IIT है, IIIT है, बाकी भी इसमें जो कुछ इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें 20,000 करोड़ तक जाएगी. Z24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.